अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नवाज शरीफ को छुड़वाने के लिए सऊदी अरब की एक बार फिर मुदाखलत। इमरान खान को क्या कह दिया गया, सीनियर सहाफी का तहलका खेज दावा। मजीद तफसीलात में जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस करें। सीनियर सहाफी शाहीन सहबाई ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए दावा किया है कि इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही है कि सऊदी सफीर ने इमरान खान को ऑफर की है कि अगर वो नवाज शरीफ और इनके खानदान को दोबारा जद्दा भेजने पर रजामंद हो जाएं, तो सऊदी अरब इन्हें 10 अरब डॉलर देने को तैयार है। बहुत से हल्के एनआरओ की आवाजों की वजह से परेशान है। मुझे यकीन है कि इमरान खान ने वाजे मगर महजूब अंदाज में सऊदी सफीर की ऑफर मुस्तरद कर दी है। शाहीन सहबाई ने इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो कोई भी डील कबूल ना करे और चोरी का पैसा वापस लेकर आए। याद रहे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बीमार होने पर अडियाला जेल से पम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से एनआरओ की खबरें गर्दिश करने लग गई थी और कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ को इलाज के बहाने लंदन भिजवा दिया जाएगा। जबकि ये भी खबरें गर्दिश करती रही कि सऊदी अरब के सफीर ने इमरान खान से मुलाकात की और इन्हें नवाज शरीफ की रिहाई के बदले बड़ी पेशकश की है। ताहम नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ रही है। निगरान वजीर दाखिला पंजाब शौकत जावेद ने कहा है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी तजवीज नहीं आई कि इन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। नवाज शरीफ को डॉक्टर की हिदायत पर पम्स अस्पताल में रखा गया है। जब तक डॉक्टर्स नहीं कहेंगे तब तक नवाज शरीफ को अस्पताल में ही रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर तरह का इलाज मौजूद है। पाकिस्तान में दिल के अमराज का भी बहुत अच्छा इलाज होता है। मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी तजवीज नहीं आई कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। नवाज शरीफ से मुतालिक एक और एनआरओ की खबरों में कितनी सदाकत है, इस बात का पता तो आने वाले वक्तों में ही चलेगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।